राजधानी जयपुर के अलग अलग थाना इलाके में पावर बाइक पर सवार होकर चाकू की नोक पर पांच पुरुषों से चैन लूटने वाली गैंग का खुलासा करते हुए कमिश्नरेट की सीएसटी टीम ने एक बदमाश व लूट की कई चैन खरीदने वाले ज्वेलर को पकड़ा है। गिरफ्तार आरोपी साजिद उर्फ साहिल संजय नगर भट्टा बस्ती का रहने वाला है। साथ ही पुलिस ने खरीदार ज्वेलर नीरज जैन को भी पकड़ा है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से लूटी गई पांच चैन चाकू व 39,000 रुपए बरामद कर लिए। एडिशन कमिश्नर कैलाश बिश्नोई ने बताया कि पिछले सप्ताह दो बदमाश पावर बाइक पर सवार होकर चित्रकूट बजाज नगर व जवान सर्किल में चाकू की नोक पर पांच पुरुषों से चैन लूटकर फरार हो गए थे। साथ ही एक साथ हुई वारदातों के कारण स्थानीय थाना पुलिस के अलावा सीएसटी ने तीन टीमों को मौके पर भेजा गया, जिसकी मॉनिटरिंग एडिशनल डीसीपी रानू शर्मा द्वारा की गई। टीमों ने सभी घटनास्थल की निरीक्षण किया और आसपास लगे कैमरों के फुटेज एक्सेस कर एनालिसिस करने के बाद बदमाशों की पहचान कर ली गई और अंतिम वारदात के 48 घंटे बाद एक बदमाश साजिद को पकड़ लिया, लेकिन दूसरा साथी फरार चल रहा था, जिसे पकड़ने के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। आरोपी साजिद इससे पहले सात्य नगर थाने में डकैती की साजिश रचते गैंग के साथ पकड़ा गया था। उसके बाद जेल से बाहर आया तो अब तक लूट की 9 वारदातों को अंजाम दे चुका। आरोपी के खिलाफ 9 आपराधिक प्रकरण दर्ज है। आरोपी के पिता फूट बेचने का ठेला लगाते हैं और आरोपी खुद कुछ समय दिल्ली में कपड़े का व्यवसाय कर रहा था, लेकिन आरोपी को लग्जरी लाइफ जीने का शौक चढ़ा। ऐसे में वह बार बार जयपुर आकर लूट की वारदात को अंजाम देकर वापस चला जाता। आरोपी नाबालिग था, तब से जेब काटना लूट व स्टेशन की वारदात को अंजाम दे रहा था। आरोपी टनगड़ी मारकर जेब काटने में माहिर है, जो यहां से लूट वारदातों को अंजाम देने के बाद लग्जरी लाइफ जीने के लिए